सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास है रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन और इस फ़ोन में दोस्तों आप जो है फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली मोबाइल की अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर मिलेगा पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर मिलेगा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। और जो भी दोस्तों आपने स्क्रीन लॉक पासवर्ड या पैटर्न बना के रखा है उसे पे ड्रॉ कर देना है, डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बटन पे फिंगरप्रिंट दिया गया है तो सिंपली दोस्तों अपना जो है बटन पे फिंगर लगा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे लगा लेंगे। जब तक दोस्तों ये फुल नहीं हो जाता है तब तक आपको लगाते रहना है। और जैसे दोस्तों ये फुल हो जाएगा, सिंपली दोस्तों यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, डन पे आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही क्लिक कर लेंगे, आपका सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लग चुका है। यहाँ से बैक जाएंगे, अपने स्क्रीन को दोस्तों हम ऑफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अपना यहाँ पे फिंगर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुरंत अनलॉक हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक लगा पाएंगे।